ऑलराइट दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर में एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। उसका मतलब है जिसको हम कहते हैं ESBI क्वाड्रेंट। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कहा जाता है इसको। ये इसको डेवलप किया था रॉबर्ट कियोसाकी ने। बेसिकली ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वर्ल्ड ओवर बताते हैं इसके बारे में, ESBI क्वाड्रेंट। और ये नेटवर्क मार्केटिंग या बी क्वाड्रेंट या बिजनेस ओनर्स की दुनिया में, एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया में ये क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो हम लोग ESBI क्वाड्रेंट के बारे में आज जानेंगे क्या होता है ESBI क्वाड्रेंट एंड हाउ इट बेसिकली हेल्प्स यू टेक अ डिसीजन ऑफ हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, कौन से क्वाड्रेंट में आप रहना चाहते हैं। जैसे हम लोगों के घरों के पते होते हैं, हमारे पोस्टल एड्रेसेस होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन या हमारे कंप्यूटर का पता होता है, इसको हम IP एड्रेस बोलते हैं, वैसे हमारे घर की इकोनॉमिक्स का भी पता होता है, उसको हम बेसिकली इकोनॉमिक एड्रेस बोलते हैं। ओके, और ये बेसिकली चार क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं। पहला क्वाड्रेंट है ई, दैट स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉई। दूसरा क्वाड्रेंट है एस, दैट स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा क्वाड्रेंट है बी, दैट स्टैंड्स फॉर बिजनेस ओनर्स या बिग बिजनेस ओनर्स। एंड चौथा क्वाड्रेंट है आई, दैट स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर्स। ओके, जो सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, दैट इज ई, स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉई। ये क्वाड्रेंट की कोर वैल्यू होती है, आई एम लुकिंग फॉर अ सेफ सिक्योर जॉब विद बेनिफिट्स। मुझे एक सेफ सिक्योर चाहिए, सेफ जॉब चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए, इसमें बेनिफिट्स होने चाहिए। बेसिकली एम्प्लॉय को सिक्योरिटी चाहिए होती है, उसको हर महीने पैसा चाहिए होता है, भले वो पैसा छोटा भी क्यों ना, रेगुलर होना चाहिए। ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलेगा, उसकी सैलरी आपको 1,00,000 रुपये मिलेगी, वर्सेज आपको गवर्नमेंट के अंदर में 70,000 रुपये सैलरी मिलेगी, आप क्या चुनोगे? राइट, चूंकि सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा है। सेफ्टी का मतलब क्या है कि भैया कुछ ऐसी कंपनियाँ होती हैं जिनका मोर्टैलिटी रेट, मतलब कुछ ऑयल कंपनीज होती है जहाँ पे आदमी 100 में से 7 लोग मर जाते हैं क्योंकि वो टफ यू नो स्ट्रेनस कंडीशन होता है, या आर्मी में सब लोग अपने घरों से बच्चों को क्यों नहीं भेजते, मोर्टैलिटी रेट हो सकता है उसमें। ओके, सेफ्टी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। आपको यू नो IAS ऑफिसर का जॉब मिलेगा वर्सेज IPS ऑफिसर का जॉब मिलेगा, तो IAS को क्यों चुनोगे आप? उसका रीजन है ना, सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा है IPS में। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि मतलब 100% ये राइट और रॉन्ग है, मैं आर्ग्यूमेंट से के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, सेफ्टी और सिक्योरिटी, चूंकि गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा सिक्योर माना जाता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब, तो सिक्योरिटी को हम चूज़ करते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट जॉब ही है, एक में 1,00,000 रुपये मिल रहा है, एक में 1,25,000 मिल रहा है, तो शायद वो बेनिफिट्स ज़्यादा होने की वजह से 1,25,000 वाली जॉब को चुन लेगा। ओके, तो एम्प्लॉय का क्या होता है कि उनको बेसिकली अपना टाइम सेल करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको कोई बॉस मिलता है और उनको डेजिग्नेशन मिलती है, वो डेजिग्नेशन में वो बहुत खुश होते हैं। मैं एज एम्प्लॉई, मुझे जूनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर का डेजिग्नेशन मिला। एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे यू नो बेसिकली रीजनल हेड का डेजिग्नेशन मिला, और उसके बाद में CEO का डेजिग्नेशन मिला, मतलब हाईएस्ट डेजिग्नेशन पॉसिबल इन अ कंपनी, वो भी मैं एंजॉय कर चुका था। तो ये मेरे अंदर का एम्प्लॉय का कोर वैल्यू था कि भाई मुझे एक सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए थी और अच्छे बेनिफिट्स चाहिए थे। ये होता है एम्प्लॉय। ये लोग अपना टाइम सेल करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे जो भी होते हैं, अपना रेज्यूमे दिखा करके सेल करते हैं और अल्टीमेटली उनको जॉब मिल जाती है। अगर एम्प्लॉय बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, ओके, इफ़ दे आर वेरी स्मार्ट, इफ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये काम हम खुद पुल ऑफ कर सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, उनको लगता है कि यार मैं खुद ही काफ़ी कैपेबल हूँ, मेरा अपना खुद का ब्रांड नेम अच्छा हो चुका है, तो वो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, वो अपना खुद का नर्सिंग होम क्लिनिक खोल लेते हैं। या कोई इंजीनियर अपने आप को बहुत समझदार या मतलब यू नो ये समझते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ, या उनको अपने पर कॉन्फिडेंस होता है, या खुद को अपना ब्रांड समझते हैं, तो वो कंसल्टेंट बन जाते हैं या इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म खोल लेते हैं। सेम गोज़ फॉर लॉयर्स एंड सेम गोज़ फॉर यू नो एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन। तो जहाँ पर आप किसी और के लिए काम करने की बजाय खुद के लिए काम करने लगते हैं, वहाँ पर आप एम्प्लॉई से सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में आपको टाइम को सेल करना पड़ता है, और यही सबसे बड़ी लिमिटेशन आपकी जाती है। ये जो दोनों वर्ग आप देख रहे हैं, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दोनों एक्टिव क्वाड्रेंट्स कहे जाते हैं, एक्टिव इनकम क्वाड्रेंट्स। यहाँ पर जब तक ये एक्टिव होते हैं, इनके पैसे बनते हैं। ओके, बड़े बड़े एक्टर्स स्पोर्ट्स पर्सन भी सेल्फ एम्प्लॉयड के ही क्वाड्रेंट में आते हैं, बट इनके एक्टिव होने पर ही पैसे बनते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं कि शाहरुख खान साहब अपने सेक्रेटरी को भेज करके एक्टिंग करवा लें, ऐसा पॉसिबल नहीं कि अपने CEO को भेज करके सचिन तेंदुलकर साहब एक्टिंग करवा लें, ये क्रिकेट खिलवा लें, वो पॉसिबल नहीं। दे आर नॉट रिप्लेसेबल। सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट के लोगों का जो कोर वैल्यू होता है, वो होता है इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, यू डू इट बाई योर सेल्फ। अगर कोई चीज़ आपको सही करनी है, तो आप उसको खुद से करो। ओके, और यही कारण होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग के पास टाइम और कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एम्प्लॉई ऑल्सो, बिकॉज उनको संडे को भी छुट्टी नहीं होती, वो ELCL भी नहीं मांग सकते किसी से। हाँ, वो अपने खुद के यू नो व्यवसाय के मालिक होते हैं, बट दरअसल सच्चाई है कि उनका व्यवसाय उनका मालिक होता है। कई लोग कहते हैं कि मेरी दुकान है, बट दरअसल दुकान के वो होकर रह जाते हैं, वो छोड़ ही नहीं पाते उस चीज़ को, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। ये जो दो क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, दुनिया में 95% लोग इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स के अंदर में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ओनली 5% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ लाइज विद दीज पीपल, क्योंकि ये लोग वो चीज़ को ट्रेड करते हैं जो लिमिटेड इन क्वांटिटी है, यानी कि टाइम को ट्रेड करते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग, दैट इज बी क्वाड्रेंट पीपल। बी क्वाड्रेंट के जो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो सिस्टम से पैसा कमाते हैं, और इनकी सिस्टम के लिए लोगों को ये एम्प्लॉय करते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ आपने देखा, जो एम्प्लॉयज़ अपने टाइम को सेल करते हैं, तो वो उनका टाइम बेसिकली बी क्वाड्रेंट के लोग खरीदते हैं।
ये कौन से लोग होते हैं? बिल गेट्स, टाटा, बिरला, अंबानी, जो लोगों द्वारा सिस्टम खड़ा कराते हैं, लोग इनके लिए काम करते हैं। अगर मान लीजिए टाटा के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो लाखों लोग मल्टीप्लाइड बाई 8 आवर्स और 10 आवर्स, वॉट एवर द टाइम शिफ्ट इज, उतने लाख आवर्स टाटा के लिए काम होता है। और इसकी वजह से टाटा फ्री हो जाते हैं। मतलब टाटा की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से उनके बिजनेस का कोई बहुत संबंध नहीं है। आज के डेट में अगर टाटा इस बिजनेस को करना छोड़ देते हैं या उसको सुपरवाइज करना छोड़ देते हैं, तो टाटा ऑर्गेनाइजेशन एज सच कहीं डाउन नहीं होने वाली। इट विल मिस हिम फॉर श्योर, बट वो डाउन नहीं होगी, इट विल मे बी ओनली ग्रो ओनली। स्टीव जॉब्स इज नो मोर, द ओनर ऑफ एप्पल कॉर्पोरेशन इज नो मोर, बट क्या एप्पल कॉर्पोरेशन डाउन हो गई है? नहीं। लेकिन आप किसी डॉक्टर को उसके क्लिनिक से बाहर निकाल दीजिए तो उसका क्लिनिक डाउन हो जाएगा ना। यही डिफरेंस होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और बिग बिजनेस ओनर्स में। बिग बिजनेस ओनर्स का जो कोर वैल्यू होता है वो ये होता है, वी आर लुकिंग फॉर गुड सिस्टम, गुड नेटवर्क्स, गुड पीपल टू रन आवर ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज वो लोग खुद को रिप्लेस करने में विश्वास रखते हैं। यही कारण होता है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड को जब भी बात की तो बोलता है मेरे पास टाइम की कमी है, क्योंकि अपने टाइम को सेल कर रहे होते हैं। और बिग बिजनेस ओनर के जो क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, वो लोगों के पास मल्टीपल कंपनीज खोलने का टाइम आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद वो काम नहीं करते हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट ट्रांजिशन है ना, कि जहां पर आप परिश्रम के सर्कल से निकल के परिश्रम के सर्कल में जाते हो, यही ट्रांजिशन जो है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेंट से राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट पे आता है। और जब ये बी क्वाड्रेंट के लोग, जो कि पीपल से सिस्टम क्रिएट करते हैं, वेयर पीपल वर्क हार्ड फॉर देम, जब ये लोग बहुत पैसा बना लेते हैं या जिनके पास पुश्तैनी पैसा होता है, तो आई क्वाड्रेंट में आते हैं, जहां मनी वर्क्स फॉर देम, इन्वेस्टर्स, जैसे वॉरेन बफे साहब है, ब्रुनेई का सुल्तान, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ये सब लोग हैं, इनके पैसा बहुत है। अब ये कोई क्रूज शिप खरीद लेंगे, कोई होटल खरीद लेंगे, उस होटल से ही पैसा बनता रहेगा। मतलब मनी विल मेक मनी फॉर देम। बेसिकली इन्वेस्टर्स, आई क्वाड्रेंट इज द अल्टीमेट गोल अगर देखा जाए तो। मतलब यू नो, इवन बियॉन्ड पीपल यू शुड हैव योर मनी वर्क फॉर यू। पैसे के साथ दो ही काम हो सकता है, या तो आप पैसे के लिए काम कर सकते हो या पैसा आपके लिए काम कर सकता है। ओके, टू मेक मनी, टू प्रोड्यूस मनी, इफ मनी इज द प्रोडक्ट, समबडी हैज टू वर्क हार्ड। या तो आप एज ए एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे, या आप एज सेल्फ एम्प्लॉयड अपने लिए काम करोगे, वर्क हार्ड, या पीपल विल वर्क हार्ड फॉर यू इन द बी क्वाड्रेंट और मनी विल वर्क हार्ड फॉर यू इन द आई क्वाड्रेंट। ओके, इफ यू सी, अगर आपको एक चॉइस दी जाए आज के बाद, आपको चॉइस दी जाए कि अभी तक आप कौन से क्वाड्रेंट में रहते आए थे, पहले आप वो डिसाइड कर लो। हमें से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा लेफ्ट हैंड साइड में, या तो ई या यू नो एस क्वाड्रेंट में। अब आपको चॉइस दी जाए कि लाइफ में आपको क्वाड्रेंट चुनना हो, तो क्या आप लेफ्ट हैंड साइड रहना पसंद करोगे या राइट हैंड साइड? इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 5% लोग राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट में रहते हैं, बट 95% पैसा इन्हीं के पास में है। आप खुद देख लीजिए, अपने देश की 50 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास में पूरे देश का 95% पैसा है। वो कौन से क्वाड्रेंट के लोग हैं? बी और आई, ई और एस के तो नहीं। बट मैक्सिमम स्कूल्स ट्रेनिंग देते हैं ई और एस बनने की, बहुत कम स्कूल्स हैं या बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको बी और आई बनने की ट्रेनिंग देती है। ये चीज़ें आपको स्कूल के सिलेबस में नहीं मिलेगी, आपको कभी ये पढ़ने को नहीं मिलेगा बिल गेट्स अमीर कैसे बने, कभी नहीं मिलेगा स्कूल के सिलेबस में। सक्सेस, मनी, इन सब का कोई जगह नहीं है। स्कूल के सिलेबस में प्रोफेशनल बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, बिकॉज स्कूल का सिलेबस जो लोग पढ़ाते हैं वो खुद भी बेचारे एम्प्लॉय ही होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं। ओके, ना टाटा पढ़ाते हैं, ना बिरला पढ़ाते हैं, ना अंबानी पढ़ाते हैं, ना बिल गेट्स पढ़ाते हैं। काश के लोग पढ़ा सकते, क्योंकि उन लोगों से सीख करके हम लोग में से बहुत सारे लोग और ज़्यादा सफल हो सकते हैं। थैंक गॉड कि आज के डेट में यूट्यूब और यू नो सोशल मीडिया आ गया, जिसकी वजह से हम लोग एटलीस्ट उन लोगों को एक्सेस कर पाते हैं। थैंक्स टू इंटरनेट दैट वी आर एबल टू एक्सेस सच स्टालवर्ट्स। थैंक्स टू यूट्यूब कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये जो चॉइस आपको मिलेगी, तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड, ग्रेट, वंडरफुल, यही चॉइस मैंने भी ली अपनी लाइफ में। अब राइट हैंड साइड जाने के लिए बी क्वाड्रेंट बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए, और आई क्वाड्रेंट के लिए खड़ा करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर आपको एक चॉइस करनी हो, बहुत सारे पैसे अभी अवेलेबल होते तो हम आई क्वाड्रेंट हो जाते, लेकिन बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलने के लिए या तो बड़े कॉरपोरेशन का निर्माण कीजिए, स्टार्टअप का काम कीजिए, लाइक यू नो भविष्य अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, ओयो, ओला, कुछ ऐसा कीजिए, लाइक बिल गेट्स, लाइक यू नो लाइक गूगल, कुछ ऐसा बनाइए। या तो आपके अंदर वो जीनियस होना चाहिए, या फ्लिपकार्ट बनाइए, या फिर एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ ट्रू बी क्वाड्रेंट बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में इट्स लाइक अ बिजनेस स्कूल फॉर इटसेल्फ। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में 2 to 5 years के अंदर में आप सीखते हो अपने लिए एक ट्रू बी क्वाड्रेंट बिजनेस खड़ा करना, लोगों के नेटवर्क का निर्माण करना जो आपके लिए काम करेगा। द रीजन वाई आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वॉज दैट आई वॉन्टेड टू शिफ्ट इन द बी क्वाड्रेंट। 5 साल लगे दोस्तों मुझे व्हेन आई स्टार्टेड, उस समय मेरे अंदर में कोर एम्प्लॉय वैल्यूज थी। मैं महीना खत्म होने पे पैसे की वेट किया करता था, लेकिन 5 साल लगे, 5 साल के अंदर मेरे अंदर का एम्प्लॉय कंप्लीटली मर चुका है। आज के डेट में मुझे करोड़ों का भी जॉब मिल जाए मैं लेने वाला नहीं। कई बार डिस्कशन होता है मेरी फैमिली में भी, लोग बोलते हैं कि यू नो तुम्हारे पास इतना टैलेंट है तो जॉब भी कर सकते हो। करेक्ट, बट मुझे मालूम है कि मेरे टैलेंट के जितने पैसे मार्केट में मिलेंगे, चाहे अपने टैलेंट के पैसे चाहे मैं भी अपने को दूंगा, वो दोनों की एक्सपायरी है, क्योंकि मेरा टैलेंट मेरे समय से जुड़ा हुआ है और मेरा समय एक्सपायरी हो सकता है। लेकिन अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दूं, तो मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का टैलेंट ऑलवेज मुझे मेरे टैलेंट से ज्यादा होगा। एक पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट टीम हमेशा तेंदुलकर से ज्यादा ही रन बनाएगी। इज इट क्लियर?
ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज मेक मोर देन एनी इंडिविजुअल। पूरी बॉलीवुड हमेशा शाहरुख खान से ज्यादा ही पैसे बनाएगी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव अ बी क्वाड्रेंट बिजनेस रनिंग फॉर यू, एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ट्रू बी क्वाड्रेंट बिजनेस। सो इफ यू डोंट हैव डायरेक्ट आइडिया विथ यू, इवन इफ यू हैव अ गुड आइडिया विथ यू एंड यू आर एन एम्प्लॉई, तो कई बार क्या होता है ना कि हमारे आइडियाज भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। क्यों? टीम नहीं होती हमारे पास में। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको टीम क्रिएट करना सिखाता है। थैंक गॉड कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, मैंने टीम क्रिएशन सीख लिया, आज के डेट में उसकी वजह से मैं अपनी जॉब से तो फ्री हो पाया हूँ, जॉब से अपना को रिप्लेस कर पाया, अपनी इनकम को रिप्लेस कर पाया हूँ। एट द सेम टाइम मैं दूसरे बिजनेसेस खड़े कर पाया हूँ ऑन द सेम प्रिंसिपल्स। एक बार टाटा साहब ने स्टील बनाना सीख लिया तो उन्होंने मोटर्स बनाना भी सीख लिया, नमक बनाना भी सीख लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस सीख लिया। यही प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट के अंदर में, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इनपुट के अंदर में आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने का मौका मिलता है। इसीलिए जरूरी है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको जरूर शुरू करना चाहिए। और इस जानकारी के लिए आपको रॉबर्ट कियोसाकी की 3 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, दैट इज रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल एंड बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ये 3 किताबें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी दोस्तों। सो दिस इज टुडेज टॉपिक, दैट वॉज ESBI क्वाड्रेंट, एंड विद दिस इज आशीष झा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।